शीतला माता की पौराणिक कथा जिसके बिना आपकी पूजा अधूरी है, तो प्रेम से बोलिए जय हो शीतला माता की। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के दो बेटे और दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को काफी लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में ही शीतला सप्तमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में ये विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, बच्चे भी अभी हमारे छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुएं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई तो शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए वहीं बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर पर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकालकर चूरमा तैयार किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। लेकिन जैसे ही बहुएं अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जाने तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से तो निकल गई। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे और ही शीतला दोनों बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव की किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुए निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही है, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए नहीं है। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अनजाने में गरम खाना खा लिया। आपके प्रभाव को भला हम क्या जाने, आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कर्म हम कभी भी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता का मंदिर का निर्माण कराएंगे। चैत महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा माता सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा ही हम पर शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलो शीतला माता की जय। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी।